आज हम लोग क्लास 11 में मोरालिटी पर बेस्ट न्यूमेरिकल बनाएंगे। यहाँ पे देखिए दोस्त, क्वेश्चन हमारा बोलता है दोस्त कि क्या हो सकता है मोरालिटी दिया गया सॉल्यूशन का, जहां पर 18.25 ग्राम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को घुलाया जा रहा है 500 ग्राम वाटर में, तब मोरालिटी क्या होगा, वही कैलकुलेट करना है। यहाँ पर देखिए दोस्त, हम जान रहे दोस्त कि हाइड्रोजन क्लोराइड को घुलाया जा रहा है वाटर में, तब सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा है। जहां पर हाइड्रोजन क्लोराइड का कम मात्रा है, इसलिए हाइड्रोजन क्लोराइड हमारा सॉल्यूट है, और वाटर का मात्रा ज्यादा है, इसलिए वाटर हमारा सॉल्वेंट है। अब यहां पर देखिए दोस्त, क्वेश्चन के बेसिस पे आते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड का सबसे पहले हमको यहाँ पे मास लिखना है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड का मास है हमारा 18.25 ग्राम। यहाँ पर लिखिए दोस्त 18.25 ग्राम मास है हमारा। वाटर के मास में आते हैं दोस्त, वाटर का मास है हमारा 500 ग्राम। यहाँ पर वाटर का मास लिख दिया हम दोस्त 500 ग्राम। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, वाटर का मास हमारा 500 ग्राम है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि वाटर हमारा सॉल्वेंट है। यहाँ पर जो हमारा 500 ग्राम है, उस ग्राम को हमको केजी में बदलना पड़ेगा। तो जब किसी भी वैल्यू को ग्राम से केजी में बदलते हैं ना, तो 1000 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर 1000 से भागा दे देंगे, तो ऊपर में 2 जीरो और नीचे में 2 जीरो, एक दूसरे को खलास कर दिए, 5 गुना आपका 10 हो गया। यहां पर आपका आ जाएगा दोस्त 0.5 केल्विन, ये आपका फाइनली वैल्यू आ जाएगा। अब हमको दोस्त मोलर मास निकालना है, तो मोलर मास तो सिर्फ और सिर्फ हमें यहां पे सॉल्यूट का निकालेंगे। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हो गया आपका 1, क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है आपका 35.5, यहाँ पर लिखिए 35.5, और 35.5 में 1 जोड़ दिए तो 36.5 हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड का मोलर मास हो गया। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, मोलालिटी को निकालना है, तो मोलालिटी का फॉर्मूला हो गया आपका मास ऑफ सॉल्यूट बटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट गुना 1 बटा मास ऑफ सॉल्वेंट केल्विन। यहाँ पर तो सॉल्यूट का मास हमको 18.25 ग्राम दिया गया है, यहाँ पर लिखिए हम 18.25 ग्राम बटा मोलर मास सॉल्यूट का लिखना है, मोलर मास सॉल्यूट का 36.5 है, यहाँ पर लिख दिया 36.5, और मोलर मास का यूनिट हो गया हमारा ग्राम, 1 था तो यहाँ पर 1 लिख दिए। सॉल्वेंट के मास को केजी में लिखना है, सॉल्वेंट का मास को केजी में तो 0.5 केजी हो गया, यहाँ हो गया हमारा 1/0.5 केजी, योग्य हमारा दोस्त के जी। अब यहां पर देखिए, यहां पर दोस्त ये सब यूनिट को हटा देते हैं, ये यूनिट हट गया। अब यहां पर देखिए दोस्त, ऊपर में 18.25 है, नीचे में 36. आपका 5 है, तो 30.65 के बाद एक जीरो अपने से ले लिए। यहां पर 18.25 को डिवाइड करेंगे 36.50 से, तो 2 बार में हमारा कटेगा, इस डेसिमल को हटाएंगे दोस्तों 1 जीरो यहाँ पे आएगा, ये हो जाएगा हमारा दोस्त 18 × 36, और ये हो गया आपका 5 × 10, तो 2 × 1 = 2, यहाँ पर हमारा दोस्त 1 मोलर आएगा आंसर हमारा, 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर, सॉरी 1 मोल पर केजी, 1 मोल पर केजी, और मोल पर केजी हमारा दोस्त मोलालिटी है, तो यहाँ पर फाइनली आंसर आ जाएगा हमारा 1 मोलालिटी। तो इस तरह हमारा दोस्त फुल एचडी में मोलालिटी पर बेस्ट न्यूमेरिकल आपका खत्म हुआ। तो दोस्त क्लास 2 दिन होते सीने में, 1 दिन
जाता है इसमें तो तकलीफ ना होती मासूम कुमार को जीने में।